प्रभावशाली हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये महिला को शादी में प्रोटेक्ट करने का बिल कहा जा रहा है, मीनाक्षी जी ने बोला जी, स्मृति ईरानी जी ने बोला, सुप्रिया जी ने बोला, सुष्मिता ने बोला। मैं महिलाओं के नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये हमारे से जुड़ा हुआ मामला है, शादी से जुड़ा हुआ मामला है और इसमें पति भी इन्वॉल्व है। सिर्फ पत्नियों का मामला नहीं है, पूरे एक परिवार का मामला है। मैंने भाषण सुना, इधर भी सुना। मैं एक प्रश्न पे आऊंगी, बहुत लंबा नहीं दूंगी। किसका निचोड़ क्या है मुझे सिर्फ ये बता दे। अभी सुप्रिया जी ने बताया कि उन्होंने कुछ महिलाओं से बात की, मेरी भी मैं जरूर बताना चाहूंगी कि मेरी बचपन की दोस्त 22 सालों के बाद मिली, वो मुसलमान है, पढ़ी लिखी है, उनके सारे परिवार भी मुसलमान है और उन्होंने बोलना पड़ता है जब आप जैसे लोग रूल कर रहे हो। प्लीज आप पहली बार मैं उसका धन्यवाद करूंगी कि आपका धन्यवाद करूंगी कि इस बिल को लाने के कारण हमने भी दिल से कुरान को पढ़ा। उसमें जो सूरह निसा है जिसमें डिवोर्स से पहले 5 स्टेप है उसको पढ़ा, सूरह बकरा है जिसमें 228 से 240 पेज तक डिवोर्स किस तरीके से क्यों दिया जाए, वजह क्या हो, पत्नी की भी वजह क्या हो, पति की भी क्या वजह हो, उसको पूरा डिटेल में दिया गया है। मुझे लगता है ये जो आज इस बिल की चर्चा हुई, इस कानून को लाने की जो जरूरत पड़ी, नकवी साहब कह रहे थे, मैं कहूंगी अफसोस है कि आपकी कम्युनिटी के अंदर कुरान में डिवोर्स के लिए इतने एडवांस रूल बनाए गए हैं। मुझे गर्व है कुरान पे, लेकिन आपने अपनी ही कम्युनिटी को अवेयर नहीं किया। अरे ये हंसने वाली बात नहीं है, अपनी ही कम्युनिटी को अवेयर नहीं किया। महिला को भी उतना ही अधिकार है तलाक देने का और किस तरह से दोनों के रिलेशन को बना के रखना है, किस तरह से दोनों परिवार को इन्वॉल्व करना है, किस तरह से पहले 5 स्टेप में उनको रोकने की कोशिश करनी है, 3 तलाक में भी 90 दिन का टाइम दोनों को साथ बिताना है, उसके बीच में माहवारी अगर रुकती है, रिलेशन बनता है, तो वो सारा प्रोसेस दोबारा से रिपीट होता है। इससे मजबूत डिवोर्स का तरीका नहीं हो सकता। एक बात तो ये है कि कम्युनिटी ने अवेयर नहीं किया और जिस तरह की तलाक की चर्चा करके राजनीति हो रही है, मैं आपसे पूछना चाहूंगी 477 इस देश में दहेज के कारण, दौरे के कारण, बलात्कार से हिंदू महिलाएं भी कितनी देश मरती है, डिवोर्स होता है, डिवोर्स के बगैर पति दूसरी भी रख लेता है, इसको आप सदन में चर्चा क्यों नहीं करते हैं? सिर्फ मुसलमान क्यों करते हैं? ये महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला है, ये महिलाओं के परिवार से जुड़ा हुआ मामला है। भैया मेरा पति है, मैं उसकी पत्नी हूँ, मियां बीबी का मामला है, आप उसको कोर्ट में लेके जा रहे हो, मैं कहूंगी वो परसेंटेज तो है। मैंने अपने क्षेत्र में देखा, बिहार में देखा, दिल्ली में देखा, कई प्रदेशों का आप सर्वे उठाएं, कितने परसेंटेज ऐसे मर्द हैं जिनको मुसलमान में भी आवारा कहते हैं। 2 चीजों के कारण डिवोर्स होता है, अगर कोई नशेड़ी है वो हिंदू में भी हो सकता है, मुसलमान में भी हो सकता है। अगर वो मुसलमान में है उसका तरीका डिवोर्स कहना है, हिंदू का तरीका कुछ और है, तो आप सिर्फ मुसलमान के लिए कानून बनाएंगे, हिंदू के लिए कानून नहीं बनाएंगे? आप परसेंटेज की बात करें, बिफोर सुप्रीम कोर्ट, आफ्टर सुप्रीम कोर्ट, 477 मॉम लिंचिंग में कितनों की मौत हुई उसको भी इस सदन में करिए, धर्म के नाम पर कितनी मौत हुई उसको भी इस सदन में चर्चा में लेकर आइए। मुजफ्फरपुर में बलात्कार होता है, 37 बच्चियों का होता है, आप ही की सरकार उन बच्चियों
कि देखरेख नहीं करती है और मंत्री और मुख्यमंत्री के साथ मिलकर मदद करती है उसकी भी चर्चा में हो, क्योंकि वो भी बच्चियां थी। क्या वो हिंदू थी इसलिए आप चर्चा नहीं करेंगे? और मुसलमानों की वोट लेनी है इसलिए 477 करेंगे? कम से कम महिलाओं को इस कानून के आड़ में आप ये भ्रम में हैं कि मुसलमान महिलाएं आपके इस कानून से आपको वोट देने का काम करेंगी। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, एक ठीक है आपको वोट नहीं चाहिए, आप इस कानून में महिला को प्रोटेक्ट कैसे कर रहे हैं मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। आप लेके आइए कानून, हम भी राजी है कि अगर एक महिला को भी तलाक 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 व्हाट्सएप पे बाहर में फोन में दिया जाता है गलत है, एक मुस्लिम महिला भी कहती है गलत है, कुरान पढ़ने वाले भी कहते हैं गलत है, जब वो खुद कह रहे हैं गलत है तो आप क्या सिखा रहे हो उनको? मैं आपसे मीनाक्षी जी आप ही के बात पे आ रही हूँ, आप कानून की बात करें, आप वकील हैं, आपने बहुत सारे एक्ट पढ़े, मुझे इतना वकील साहब आप ये बता दे कि मंत्री साहब भी वकील है, आपने सिर्फ कानून बनाया है कि तीन तलाक जो बोलेगा उसको आप जेल भेज दीजिए, आपको अधिकार है। एक तरफ वो महिलाएं हैं जो बहुत गरीब है, मैं भी उनका बैकग्राउंड कुछ नहीं है क्योंकि मैंने आंखों से देखा है, हम में ज्यादा कला है, मुसलमान परिवारों में उतनी कला नहीं है जितनी हिंदू परिवारों में कला है, तो जिनके पास बैकग्राउंड सपोर्ट है वो आज भी जाके कानून से लड़ लेती हैं। अगर आप उन महिलाओं की बात कर रहे हैं जिनका बैकग्राउंड में कोई नहीं है, आप कह रहे हैं जाके मजिस्ट्रेट से केस दाखिल करो, आपने थोड़ा डिफाइन किया, कहा चलो ब्लड रिलेशन वाला भी डिफाइन कर देता है, अब मुस्लिम महिलाएं कर रही हैं यहाँ भी मिसयूज हो सकता है, चलिए ये बात भी हम कहेंगे भाई कानून ही नहीं आएगा। आप उसके अलावा आपने क्या प्रोटेक्शन दी है? मैम प्लीज दो मिनट, दो क्या प्रोटेक्शन दी है? मेरे पास समय की सीमा है, वहां से किसी ने सजेशन देने की आवश्यकता, मजिस्ट्रेट तय करेगा कि मुआवजा कितना मिलेगा, मजिस्ट्रेट तय करेगा कि बच्चे किसके पास रहेंगे, मजिस्ट्रेट तय करेगा कि हस्बैंड उसको देगा कि नहीं। मैं कहती हूँ प्रैक्टिकल सी बात है, मेरा हस्बैंड जॉब करता है, वो कहेगा तुमने जेल भेजा मेरी जॉब चली गई और मैं पैसा नहीं दूंगा, तो आप क्या कर लेंगे? क्या आपने शेल्टर का प्रावधान किया है? क्या आपने गवर्नमेंट की तरफ से, प्लीज मैम प्लीज टू मिनट लूंगी, गवर्नमेंट की तरफ से उनको मुआवजे का प्रावधान किया है? उसको क्या प्रोटेक्शन है उस महिला को? उस महिला को आप मुस्लिम पर्सनल लॉ से भी निकाल रहे हैं, उसके धर्म से भी निकाल रहे हैं और उसके घर से भी निकाल रहे हैं, और प्रोटेक्शन के नाम पर सिर्फ आप कह रहे हैं कि भैया अपने पति को जेल भेज दो। कौन ऐसा पति है? ठीक है उसने तीन तलाक दे दिया वो इनलीगल है, कुरान भी मांग रहा है, वो तीन महीने इंतजार करेगा, आप दुश्मनी इतनी बढ़ा रहे हैं, कहेगा लो तीन महीने हो गए मैंने तुम्हें तलाक दिया, फिर आपका कानून क्या करेगा? मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ आपकी नियत में खोट है, अगर आपको प्लीज मान प्लीज 30 सेकंड, अगर आपको कानून ही लाना था मैं तो कहूंगी कि कुरान को ढंग से पढ़ के उसमें जो तरीका डाइवोर्स का बताया है उसी को कोर्ट का कानून क्यों नहीं बनाते हैं? पूरी मुस्लिम कम्युनिटी उसको मानने को तैयार होगी, आप सिर्फ खिलवाड़ कर रहे हैं महिलाओं के साथ। इतना ही कह के मैं प्लीज कहूंगी कि महिलाओं के उत्पीड़न के नाम पर, महिलाओं के घरेलू मसलों के नाम पर हिंदू और मुसलमान नहीं होना चाहिए, नहीं तो हर तबके की महिला चाहे रूलिंग पार्टी की हो या विपक्ष की हो सब खड़े होकर इस कानून के विरोध में खड़ी होंगी, ये देश कहता है, और निश्चित तौर से इसको जेपीसी में जाना चाहिए और कुरान की समझ रखने वाले लोगों को बुला के इसको दोबारा से अमेंडमेंट करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।